अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी में। थलापति विजय, प्रभास, रामचरण, चिरंजीवी, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी सब अपनी सफलताओं के घोड़े पर सवार होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, किंतु वर्ष 2022 में इनके सफलता रथ को रोक दिया गया। जानते हैं किसने? लो 2022 में सबसे पहले पूजा हेगड़े की राधे श्याम पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई थी, जिसके हीरो थे प्रभास, प्रभास की इंडिया में इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी ये मूवी सभी भाषाओं में फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद पूजा की नेक्स्ट फिल्म रिलीज हुई बीस्ट, जो अगेन एक पैन इंडिया तमिल मूवी थी और इसमें हीरो थे विजय। अभी तो खेल शुरू हुआ है। विजय की हर पिछली फिल्म सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर थी, जैसे मास्टर, बिगिल, सरकार, मार्शल, थेरी आदि, लेकिन बीस्ट मूवी फ्लॉप रही। और फिर पूजा हेगड़े की नेक्स्ट रिलीज थी तेलुगु मूवी आचार्य, पूजलु पुनस्कारालु चेसुकुंटू, जो ब्लॉकबस्टर ट्रिपल आर के बाद रामचरण की पहली मूवी थी और मूवी के हीरो थे तेलुगु मूवीज के सुपरस्टार और रामचरण के पिता चिरंजीवी। किंतु मूवी डिजास्टर बन के रह गई। तमिल और तेलुगु में झंडे गाड़ने के बाद क्रिसमस पर पूजा हेगड़े की हिंदी फिल्म रिलीज हुई सर्कस, जिसके हीरो थे रणवीर सिंह और डायरेक्टर थे रोहित शेट्टी, जिनकी पिछली सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट थीं, किंतु ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। और अब इनकी नेक्स्ट हिंदी मूवी है सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान, जो 2023 में रिलीज होगी। और अब आप सभी के लिए फिल्मी पंडित जी की तरफ से लबाव, 2022 में चार बड़ी फिल्में फ्लॉप देने के अतिरिक्त इन्होंने तेलुगु मूवी F3 में एक गाने में काम किया था। F2 मूवी जो ब्लॉकबस्टर थी, F3 उसी का सीक्वल थी, किंतु F3 भी कमाल नहीं कर पाई। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और ऐसे ही फिल्मी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल फिल्मी पंडित जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।